साथी, कई राजपूत साथी हैं, वो कह रहे थे बोला भाई ब्रजभूषण दोषी आपने कैसे मान लिया, भी कोर्ट ने प्रमाणित नहीं कराया, उससे पहले आपने दोषी कैसे करार दे दिया, खुद ही जज कैसे बन गए। भाई हम जज बन के बात नहीं कर रहे, हम हरियाणवी संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो संस्कृति है ना ग्रामीण संस्कृति, उसके हिसाब से एक बात, हमारी जो परिपाटी है वो आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा। जब बाण बेटी की बात आ जाती है ना, तो आप अपने घरों में देखो, बाण भाई का आपस में झगड़ा हो जाता है और माँ बाप के पास चले जाते हैं, तो बेटी जो बात कह देती है ना वो सच्ची मानी जाती है। बेटी ये कह देना ना बाबू इसने पहले मेरा मारा है, तो बाबू पहला उसका मुंह पर थप्पड़ मारेगा, छोरा कर लूंगा बेटी सही कह रही है। और समाज की बात आ जाए, छेड़छाड़ इस तरह के जो वाक्य हैं, अगर कोई बेटी आके ये कह दे अब भाई मेरे को है ना फलाने ने ये कह दिया, ये वो कह दिया, ये कर दिया, तो हम फिर ये उससे ये नहीं पूछते, प्रमाण नहीं मांगते, एक वीडियो ला दे या कोर्ट में साबित कर दे, हमारे से जो जिससे जो बन पड़ता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, अपनी बाण बेटी की जितनी बात पे उतना करता है। ये जो पहलवान हमारी बेटियां थी, बहनें थी, इन्होंने जो बात समाज के सामने रखी, कोई हमने ये नहीं उसके प्रमाण मांगे हो या इन्होंने कोई बड़े प्रमाण दिए हो, जो इन्होंने बात बताई हमने उसको सत्य मान के, कि हमारी बहन बेटियां अपनी इज्जत को जब इतने समाज के सामने ओपन कर रही हैं, तो ये 100% सत्य होंगी, उसके आधार पे हमने ब्रजभूषण को दोषी माना भाई। और ये हमारी परंपरा है बहन बेटी की बात पे, कल फिर कोई बात आएगी फिर भी हम बहन बेटी की बात को सच मानेंगे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। राजपूत जितने हमारे भाई हो, आपका इतिहास है कि भाई बहन बेटी की इज्जत के लिए कितने बड़े बड़े कर्मकांड करे हैं, मैं गिनाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। तो इसलिए भाई जब तक ब्रजभूषण को कोर्ट तथ्य सहित तर्क सहित बाइज्जत बरी नहीं कर देता, इतनी मारी नजर में ब्रजभूषण बिल्कुल जो हमारी इन्होंने बहनों ने कह रखा है बिल्कुल उतना बड़ा दोषी। दूसरी बात भाई इस मामले की बात है, भाई ये ब्रजभूषण ने एक बात कही थी, दो बात कही थी। पहली बात उसने क्या कही थी, गौर करने वाली जो पूरा आंदोलन चल रहा था, कुल दो बात पर उसकी पूरा आर्ग्यूमेंट दो बातों पर रहता था। पहला ये कि भाई मैंने नए नियम बनाए हैं और नए नियमों के हिसाब से ट्रायल दे के पहलवानों को ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में जाना पड़ेगा, और बोला ट्रायल से बचने के लिए ये सारे जो है ना, ये इसलिए सारा प्रोपगेंडा रच रहे हैं, इनकी बात में दम नहीं है। तो मैंने 15 दिन पहले एक पत्रकार साथी से मेरी चर्चा हुई थी, मैंने उसको भी मैंने कहा भाई ब्रजभूषण की बात को है ना प्रमाणित कर दिया, उसने दो ही आरोप लगाए थे, पहला आरोप साबित कर दिया, वह ट्रायल से बचने के लिए कर रहे हो। इसके विपक्ष में जितने भी तर्क दिए गए, 1, 2, 5, 7, 10 सारे वकीलों वाले तर्क थे, हम भी वकील हैं, हमने पता है बात को घुमाया फिराया कैसे जाता है, पंचायती भी हमने बेरा पंचायत में बात क्यों कर घुमाई जाए, तो पहलवानों के नाते घुमानी फिरानी नहीं चाहिए थी, सीधा जो बात थी ना सीधी बात के हिसाब से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि भाई इस मामले को सॉर्ट आउट करना है। तो ब्रजभूषण ने जो बात कही भाई, एक बात में तो उसने ये दिखा दिया भाई कि ट्रायल वाली बात पे मैं सच्चा था, दूसरी बात उसने आज हरियाणा में कह दी, पहले भी कह रहा था जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, तो ब्रजभूषण ये कह रहा था कि ये पहलवान खत्म हो चुके हैं, आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है, दोबारा इनका कभी मेडल नहीं आएगा, ब्रजभूषण बार बार ये रिपीट करके बात कर रहा था। और कल या परसों जब हरियाणा में आया, जिन भी साथियों ने बुलाया, सबके अपने अपने निजी रिश्ते होते हैं भाई, कुछ भाई उन पे कमेंट कर रहे हैं बोला भाई फलाने उसने बुला लिया, फलाने ने बुला लिया, जाति की वजह से बुलाया, भाई सबके अपने रिश्ते होते हैं, ये लोकतंत्र में जो परंपरा पड़ी थी ना किसान आंदोलन में, फलाने को नहीं घुसने देंगे उसको नहीं, ये नेता जो है ना ये आपस में जहर फैला के माथे फुड़वा के चले जाते हैं, चाहे कितना बड़ा मुद्दा हो, हम लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते, दंगा करना गुंडागर्दी करना वो अलग बात। तो ब्रजभूषण ने हरियाणा में आके मेरे भाई जो बात कही वो ये बात कही कि भाई एशियाड में हिंदुस्तान का एक भी मेडल नहीं आएगा, अभी ये कल और आज की ये चल रही है कि एक भी मेडल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पहलवान है ना ये आंदोलनकारी ये खत्म हो चुके हैं। उसका सीधा सीधा निशाना भाई विनेश तो जा नहीं रही, उसका सीधा निशाना बजरंग पे था कि वह बजरंग के पल्ले कुछ नहीं रह रहा, और ट्रायल तो ये मौका जैसे तैसे करके ट्रायल से तो बच गया, लेकिन ये एशियाड में मेडल नहीं लाएगा। तो मेरे भाई ये चुनौती एक होगी खड़ी, और मान सम्मान की बात खड़ी होगी। मैं हमारे भाई बजरंग पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि खेल में आदमी पर जब उम्मीदों का बोझ बड़ा हो जाता है ना, चाहे खेल हो चाहे और कोई काम हो, तो फिर वो परफॉर्मेंस में उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाता है, उस पर है ना एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है प्रेशर की, तो मैं एक्स्ट्रा वो नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन मेरे जितने भी आप मेरे साथी मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि बजरंग पे जो एक्स्ट्रा दबाव ये आंदोलन का और ये विशाल वाले मामले पे बदनामी का बना हुआ है ना, इसको मेरे भाई आज खत्म करते हैं। पहली अपील मैं बजरंग के माता पिता से करता हूं, चाचे ताऊ भाइयों से करता हूं कि भाई आपने अपनी बात रखी, लोकतंत्र में सबको न्याय मांगने का अधिकार है, मेरे से जितना प्रयास हुआ और जिस साथी से जितना प्रयास हुआ आपके पक्ष में, जिससे जो बन पाया उसने कराया, उसके बाद भी बजरंग की ये बात बजरंग नहीं समझ पाया या साथ वालों ने किसी ने नहीं समझने दी, सबके अपने अपने समझने की बुद्धि होती है, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमने व्यक्तिगत तौर पर समझाया, सार्वजनिक समझाया,
अगले को नहीं उचित लगता होगा। तो अब इस बात को मेरे आदरणीय ताऊ, मेरी माता, मेरे भाइयों जो विशाल के परिवार वाले हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करना चाह रहा हूं सार्वजनिक तौर पे कि देश के मान सम्मान पे मेडल पे बात अटक गई है। बजरंग जो है ना, देश का मेडल प्रोस्पेक्ट है, 18 में गोल्ड आया था और इस पर भी देश उम्मीद कर रहा है कि बजरंग पूनिया देश को मेडल ला के देगा, गोल्ड मेडल ला के देगा। और जो उसके ऊपर प्रेशर बन गया ना, दबाव बन गया, बदनामी का दबाव, भाई लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो रिलीफ उसको नहीं मिला, वो वैसे ही परेशानी में, टेंशन में वो मैट पे उतरा 6 तारीख को, तो फिर एक मतलब है ना, एक एक्स्ट्रा वो बन जाएगा दबाव जो होता है। आप सारे समझते हो, पेपर में बैठते हैं, दबाव जो होता है उस सिचुएशन को आप सभी ने हैंडल करा हुआ, छोटे मोटे से बड़े दबाव का। तो बजरंग के ऊपर जो ये सामाजिक दबाव बन गया ना भाई, इसको खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपसे अपील करता हूं